हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि रेड बस से किया हुआ बस टिकट एक दिन पहले, एक घंटे पहले या बस छूट जाने के बाद हम किस तरह से कैंसिल कर सकते हैं। तो ये जानने के लिए आज की इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए। तो सबसे पहले हमें अपने फोन पे ऐप को ओपन कर लेना है, बिकॉज मैंने अपने फोन पे ऐप से ही रेड बस ऐप का टिकट बुक किया था। अब यहाँ पर मैं हिस्ट्री पर चला जाता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरा टिकट है जो कि मैंने रेड बस ऐप से किया है। अब मैं इस टिकट को कैंसिल करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है व्यू डिटेल्स, हमें यहाँ पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर, हम इसको थोड़ा लोड होने देते हैं, हमारा जो टिकट है वो लोड हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो टिकट है वो लोड हो चुका है। अब मैं इस टिकट को कैंसिल करना चाहता हूँ। ये टिकट मैंने 10 जून का किया था, बुक किया था 10 जून का, आज 9 जून है तो एक दिन पहले मैं इस टिकट को कैंसिल करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आप नीचे की तरफ देख सकते हैं दो ऑप्शन हमें मिल जाते हैं, रीसेंट टिकट और कैंसिल टिकट, हमें कैंसिल टिकट बटन पर क्लिक कर लेना है। तो अब यहाँ पर हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ चुका है, यहाँ पर आप इसकी डिटेल पढ़ सकते हैं। मेरे बैंक अकाउंट से जो अमाउंट कटा था वो कटा था 614 रुपए और मुझे डिस्काउंट इस रेड बस ने दिया था 80 रुपए और 70 पैसे का, लेकिन अब ये काट रहा है कैंसिलेशन चार्ज जो कि 53 रुपए 80 पैसे है। अब जो हमारा रिफंडेबल अमाउंट है, मतलब जो अमाउंट हमारा बैंक अकाउंट में वापस आएगा, वो आएगा 439 रुपए और 50 पैसे। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे की तरफ लिखा हुआ है प्रोसीड, यहाँ पर जैसे ही हम प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे हमारा जो टिकट होगा वो कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम प्रोसीड बटन पर क्लिक कर लेते हैं। प्रोसीड बटन पर क्लिक करने के बाद ये कह रहे हैं रिफंड 439.5 टू माई ओरिजिनल मोड ऑफ पेमेंट, मतलब ये कह रहे हैं कि 439 रुपए 50 पैसे आपके उस पेमेंट मोड पे आएंगे जिस पेमेंट मोड से आपने इसको पेमेंट दिया है। तो यहाँ पर हम अपने बैंक अकाउंट में ये पैसा वापस लेना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ पर टिक कर लेते हैं। अगर आप वॉलेट में लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर साइन इन करना होगा, लेकिन यहाँ पर मैं अपने डेबिट कार्ड में यानी बैंक अकाउंट में ये पैसा रिफंड लेना चाहता हूँ, ये डायरेक्टली मेरे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया जाएगा ये अमाउंट 5 से 7 दिन के अंदर। अब यहाँ पर मैं प्रोसीड बटन पर क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद ये जो पेज है ये लोड हो रहा है, तो चलिए हम इसको लोड होने देते हैं। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे जो टिकट है वो कैंसिल हो चुका है और जो हमारा अमाउंट है वो हमारे बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये कैंसिलेशन का कुछ चार्ज काट लेता है, 50-60 रुपए ये कैंसिलेशन का चार्ज काट लेता है और चार्ज काट के हमारे जो अमाउंट है वो हमारे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया जाता है। तो अब जो हमारा बस टिकट है वो कैंसिल हो चुका है। इसी तरीके से आप भी अपना बस टिकट बहुत ही आसानी से कैंसिल कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू।